हेलो स्टूडेंट्स हमने बी ए सेकंड ईयर की बुक स्टार्ट की थी प्रोग्रामिंग इन सी जिसमें हमारा चैप्टर नंबर वन और टू हो चुका है थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था अभी तक हमने थर्ड चैप्टर जो है वो है हमारा डाटा टाइप्स जिसमें हमने फंडामेंटल डाटा टाइप्स पढ़ ली हैं उसके बाद हम एक बार ये आगे के जो टॉपिक है वो देखते हैं एक हमें दिया हुआ है क्वालिफायर्स क्वालिफायर्स देखते हैं क्या होता है हमारे पास क्वालिफायर्स आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ नंबर्स द वेरियस क्वालिफायर्स एसोसिएटेड विद इंट टाइप इज अनसाइंड साइंड शॉर्ट और लॉन्ग अब क्या मीनिंग होगा क्वालिफायर का कि क्वालिफायर का, का काम क्या होता है कि जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है किसी भी डाटा टाइप में जनरली आप पहले तो मतलब इंट की बात हो रही है इंटीजर डाटा टाइप की बात हो रही है उसकी रेंज को एक्सटेंड करने का काम किसका होता है क्वालिफायर का मान लो जैसे वन टू टेन तक की रेंज इन्होंने दे रखी है इंटीजर इसके लिए तो ये क्या करेगा उसकी रेंज को बढ़ा देगा जैसे वन टू ट्वेंटी कर देगा या वन टू ट्वेंटी फाइव थोड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ ये, ये नहीं है कि एग्जैक्टली इतनी ही होती है एग्जाम्पल दे रही हूँ कि रेंज को एक्सटेंड कर देता है और क्वालिफायर भी कौन कौन से टाइप के हैं हमारे पास इंट में अनसाइंड साइंड शॉर्ट है और लॉन्ग इसके बारे में आगे बताया हुआ है कैसे कैसे हैं ये द यूजर मेमरी स्टोरेज एसोसिएटेड विद द इंट नंबर बिट्स और टू बाइट दिक्कस बिट्स कैन बी यूज टू रिप्रजेंट पॉजिटिव नंबर्स अप टू थर्टी टू सेवन सिक्स सेवन टू रेस्ट सिक्सटीन माइनस वन माइनस वन अब इन्होंने क्या बताया कि जनरली सिक्सटीन बिट्स वाले में ही हमारी मेमरी स्टोरेज का काम चलता है और जो ये पॉजिटिव नंबर लेता है उसकी रेंज पॉजिटिव में कितनी है इंटीजर्स की इन जनरल ये है और नेगेटिव में रेंज कहाँ तक है इंटीजर्स की यहाँ तक है ठीक है ये याद रखना पड़ेगा कई बार कंपल्सरी में पूछ लेते हैं कि सिक्सटीन बिट्स में बताओ भाई इंटीजर्स की पॉजिटिव नंबर्स की रेंज कितनी है नेगेटिव की कितनी है दिस इज़ द रेंज एक्सप्रेसड बाय साइंड इंट और सिंपली इंट नंबर्स ये साइंड इंट या सिंपली इंट नंबर की रेंज है साइन लगाओ या ना लगाओ तो ये उनकी रेंज बताई हुई है वेन एवर वी यूज़ द वेरिएबल विच कैन टेक पॉजिटिव वैल्यूज़ ओनली वी कैन एक्सटेंड द रेंज ऑफ इंट बाई यूजिंग द क्वालिफायर अनसाइंड अब कई बार आपके पास वो वेरिएबल होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो उसकी रेंज को अगर आपने एक्सटेंड करना है तो आपको क्वालिफायर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा अनसाइंड अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के साथ आप डील कर रहे हो द अनसाइंड इंटीजर्स कैन

एंड फॉर नंबर द रेंज इज डबल्ड यूजिंग अनसाइंड इंट रेंज कितनी हो जाती है डबल हो जाती है उसकी जो नॉर्मली चल रही होती है ठीक है जैसे यहाँ पॉजिटिव में रेंज कितनी थी थर्टी टू के अराउंड थी जैसे ही आपने अनसाइंड यूज़ किया तो कितनी होगी सिक्सटी फाइव के अराउंड होगी एक तरह से डबल होगी ना ये रेंज और वर्चुअली एवरी कम्प्यूटर ऑन वर्चुअली एवरी कम्प्यूटर द टाइप इंट इज़न विद आईदर लॉन्ग इंट और शॉर्ट इंट टू हैव कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ इंटीजर द प्रोग्रामर शूड हिमसेल्फ स्पेसीफाई वैदर इज लॉन्ग इंड और शॉर्ट इंड कि आप एक्सटेंड करना चाहते हो मतलब बात वही है कि आपको क्वालिफायर लगाना पड़ेगा कि उसकी रेंज आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो या उसकी रेंज को कम करना चाह रहे हो कंट्रोल अगर आप करना चाहते हो लॉन्ग और शार्ट आपको लगाना पड़ेगा ऑन मैनी कंप्यूटर्स इफ़ द क्वालिफायर लॉन्ग इज प्लेसड बिफॉर देशन द रेंज ऑफ़ द एसोसिएटिव वेरिएबल्स इज़ एक्सटेंडिड द डेक्लेन इज दिस अगर आप इंट की डेक्लेशन के सब से, से पहले क्वालिफायर ये लॉन्ग वाला क्वालिफायर लगा देते हो तो वो क्या कर देता है जो भी एसोसिएटिड वेरिएबल है उसकी रेंज को एक्सटेंड कर देगा जैसे आपने जनरली आप कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे इंट एक्स करते थे अब अगर आप इसकी रेंज बढ़ाना चाह रहे हो तो क्या करोगे लॉन्ग इंट एक्स ठीक है द लॉन्ग इंट नंबर्स कैन बी डिस्प्लेड बाय चेंजिंग द कन्वर्सेशन स्पेसिफाइड इन द प्रिंट एफ कंट्रोल स्ट्रिंग टू परसेंट एल डी जैसे आप इंट के टाइम पे एड्रेस ऑपरेटर क्या लेके चलते हो परसेंट डी लेके चलते हो लॉन्ग के टाइम पे अगर आप लॉन्ग इंट यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा एड्रेस ऑपरेटर परसेंट एल डी कई जगह कैपिटल एल यूज हो जाता है ठीक है सिमिलर टू लॉन्ग इंटीजर्स वी कैन डिक्लेयर इंटीजर्स एज शॉर्ट और शॉर्ट इन दिस डेक्लेशन सेव्स मेमरी बिकॉज शॉर्ट इंटीजर्स टेक लेस मेमरी दैन लॉन्ग वंस अब अगर आपको अपनी उसकी रेंज को कम करना है मेमरी कम यूज़ करवानी है तो आप इंट के आगे कौन सा क्वालिफायर लगा दो शॉर्ट क्वालिफायर लगा दो तो आपकी जो वो वेरिएबल है वो कम मेमरी लेगा ठीक है लॉन्ग वालों से कम लेगा मेमोरी। द ड्रॉबैक इज इज़ दैट द अलाउेबल रेंज ऑफ वैल्यूज़ इज़ रिड्यूज सो शॉर्ट इंट वेरिएबल शुड बी यूज ओनली वैन अ स्मॉल रेंज ऑफ इंटीजर इज़ बीग यूज शॉर्ट का काम क्या है उस रेंज को कम कर देना अगर आप मतलब थोड़े ज़्यादा बड़े नंबर्स के साथ डील नहीं करें थोड़े के साथ डील करें तो आप शॉर्ट इंट यूज़ कर सकते हो तो अगर आपको बड़े नंबर्स के साथ डील दी, करना है तो आप लॉन्ग कर सकते हो या ये साइंड अनसाइंड बता ही दिया मैंने कैसे यूज कर सकते हैं और आगे इन्होंने कुछ फॉर्म बताई किस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो आप अभी यहाँ पे हमने क्या कहा था इंट से पहले हमें लॉन्ग लगाना पड़ेगा पर आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आप सिर्फ इंट को भी हटा दो ना तो भी आपकी ये स्टेटमेंट डेक्लरेशन की वैलिड होंगी लॉन्ग इंट एक्स लिखो या इंट एक्स लिखो एक ही बात है दोनों का मीनिंग सेम चलेगा या अनसाइंड वाई लिखो अनसाइंड शॉर्ट जेड इज इक्वल्स टू टेन लिखो ठीक है आप इंट लगाओ या ना लगाओ दोनों स्टेटमेंट्स आपकी वैलिड हैं डिकलेशन के टाइम पे ठीक है एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि इंट में किस तरह से हमने हैंडल किया क्वालिफायर हमारे पास क्या थे साइंड अनसाइंड शॉर्ट और लॉन्ग इनका काम जनरली अगर मैं बात करूँ क्वालिफायर किस लिए यूज होते हैं जो रेंज ऑफ नंबर्स है उसको एक्सटेंड करने के लिए यूज होते हैं ठीक है अब अगर आप साइंड क्वालिफायर यूज़ कर रहे हो तो इट मीन्स एक मिनट जब अगर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर के साथ डील कर रहे हो तो आप साइंड वाला क्वालिफायर यूज़ कर सकते हो ठीक है नहीं नहीं पॉजिटिव के साथ अनसाइंड वाला अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ डील कर रहे हो तो साइंड वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ अगर डील कर रहे हो तो आप साइंड क्वालिफायर यूज़ कर लो वो डबल कर देगा रेंज को ऐसे ही अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर के साथ आप डील कर रहे हो तो अनसाइंड क्वालिफायर आप यूज़ कर सकते हो ठीक है ऐसे ही हमारे पास दो और क्वालिफायर थे लॉन्ग और शॉर्ट लॉन्ग भी आप एक्सटेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो शॉर्ट आप आ, अपनी रेंज को कम करने के लिए कि अगर आपको छोटे नंबर्स के साथ डील करना है ज़्यादा बड़े के साथ डील नहीं करना तो वो रेंज को कम कर देगा और मेमोरी भी कम लेगा और डिक्लेरेशन के लिए आप लॉन्ग इंट एक्स या साइंड इंट एक्स इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो या ये इंट ना लगाना चाहो तो भी आपका वो जो डिक्लेरेशन वाली स्टेटमेंट वा, वो वैलिड रहेगी है। ठीक है इसके बाद ये तो हमने इंट के लिए पढ़ा अब यही क्वालिफायर साइंड और अनसाइंड सिर्फ ये साइंड और अनसाइंड किस पे अप्लाई कर सकते हो आप कैरेक्टर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो मेमोरी एसोसिएटेड विद कैर इज एट बिट और वन बाइट देयरफॉर फॉर द साइंड कैर चेंजेस रेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस वाइल द अनसाइंड कैर चेंजेस फ्राम दिस टू रेंजेस फ्राम दिस टू दिस अगे इन्होंने रेंज बता दिया कि अगर आप करेक्टर डाटा टाइप में भी क्वालिफायर uh, यूज़ करना चाहो तो आप वहाँ पर साइंड और अनसाइंड वाले यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसके बाद इन्होंने डबल के लिए भी ये सारा कुछ बताया हुआ है थोड़ा सा एक बार ये पढ़ लेना मेन चीज़ जो थी मैंने वो आपको बता दी है ये टेबल थोड़ी सी ध्यान रख लेना कई बार पूछ लिया जाता है या कंपलसरी में पूछ लेते हैं कि एट बिट में रेंज कितनी है अनसाइंड की अनसाइंड कैर की इंट और साइंड इंट की ये सारी चीजें ठीक है एक बार पढ़ लें इसके बाद है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन ये सारा कुछ आप पहले पढ़ चुके हो कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं यहाँ बस इन्होंने अलग से टॉपिक बोल दिया इसको ऑल द वेरिएबल्स टू बी यूज इन अ प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज इन प्रोग्राम द दिनटेक्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो आगे अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पे तो उसको यूज़ करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी मैथ्स में जनरली आप बोलो किसी भी चीज़ में कि अगर आप कोई नंबर यूज़ करना चाह रहे हो या कोई एलिमेंट यूज़ करना चाह रहे हो आगे तो उस एलिमेंट को जब तक एग्जिस्ट ही नहीं करवाओगे तब तक आप यूज़ कैसे कर सकते हो ठीक है तो पहले उस चीज़ को एग्जिस्ट करवाना या प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर पाओगे और हमारे पास जनरल जो सिंटेक्स क्या रहता है वेरिएबल डाटा टाइप वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेमी कॉलन इंट डाटा टाइप है मान लो इंट फिर दो वेरिएबल ले लिए हमने एक्सकॉमा वाई और साथ में फिर सेमी कॉलन ये बहुत ज़रूरी है फ्लोट में करना चाहते हो फ्लोट जैड सेमी कॉनन असाइनमेंट स्टेटमेंट ये भी आप लोग पीछे पढ़ चुके हो द असाइनमेंट स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी इट इज़ यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल और एन आइडेंटिफायर जनरल फॉर्मेट फॉर असाइनमेंट स्टेटमेंट इज़ दिस कि अगर आप डेक्लेशन के टाइम पर आप असाइन करना चाहते हो वैल्यू उस वेरिएबल को तो आप वो भी कर सकते हो जैसे वेरिएबल इज इक्वल टू दैट वैल्यू सेमी कॉर्न या आपका असाइन हो गया वैल्यू जैसे यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है ठीक है ये एक बार पढ़ लेना जैसे ए प्लस बी इजिकल्स टू सी ये आपका जनरल मैथमेटिक्स में तो एक्सेप्ट हो जाएगा लेकिन प्रोग्रामिंग इन सी में नहीं एक्सेप्ट होगा इसको आपको सी इजिकल्स टू ए प्लस बी करना पड़ेगा ये तब एक्सेप्ट होगा ताकि ये सी वेरिएबल क्या करेगा ए और बी का सम लेके इसके अंदर अपने अंदर सेव कर देगा ठीक है ये वैलिड नहीं होगा आपका प्रोग्रामिंग इन सी में द टाइप डेफ डेक्लेशन सी सपोर्ट्स अ फीचर टू डिफाइन एन दैट वुड रिप्रेजेंट एन एग्जिस्टिंग डाटा टाइप फॉर एक्जाम्पल इफ़ इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव इंटीज़र एज अ सिनोनिम फॉर इंट वी राइट दिस स्टेटमेंट टाइप डेफ इंट इंटीज़र अगर आप अपनी तरफ से कोई आइडेंटिफायर लाना चाहते हैं डिफाइन करना चाहते हैं वो भी आपके पास फैसिलिटी है कि जैसे आपके पास इंट डाटा टाइप है ना इसको आप एक नया सिनोनिम देना चाहते हो इंटीज़र का तो वो आप अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हो इंटीज़र कि फ्यूचर में अगर आप इंटीज़र यूज़ करोगे तो उसका मीनिंग इंट ही चलेगा ठीक है कैसे चलता है वो टाइप डेफ इंट इंटीज़र the user defined data type identifier can later be used to declare variables it takes the general form type def जो टाइप है आपकी पुराने वाली वो और जो आप नया आइडेंटिफायर नाम देना चाह रहे हो वो ठीक है where type refers to an existing data type जो एक्जिस्टिंग है जैसे int char ये सब हो गए एंड आइडेंटिफाइ रेफर्स टू द न्यू नेम ग टू द एग्जिटिंग डाटा टाइप एग्जिस्टिंग डाटा टाइप जैसे इंट कैर को आप नया नाम क्या देना चाह रहे हो इंट को मानो आप इंटीजर नया नाम देना चाह रहे हो या कैर को करेक्टर नया नाम देना चाह रहे हो तो आइडेंटिफायर उसको बोल रहे हैं द एग्जिस्टिंग डाटा टाइप मे बिलोंग टू एनी क्लास ऑफ द डाटा टाइप इंक्लूडिंग द यूजर डिफाइंड वन वो यूजर डिफाइंड से भी बिलोंग कर सकती है एग्जिस्टिंग वाली टाइप डेफ जस्ट क्रिएट्स अ न्यू नेम फॉर एग्जिस्टिंग टाइप इट डज़ नॉट क्रिएट न्यू टाइप ये नई टाइप को क्रिएट नहीं कर रहा टाइप डेफ वाली चीज ये जो टाइप डेफ हमारा एक फॉर्मूला लगा लो कुछ भी चीज लगा लो कि टाइप डेफ का, का काम नई चीज़ को डिक्लेयर करना नहीं है एग्जिस्टिंग डाटा टाइप को एक नया नाम देना है जैसे टाइप डेफ इंट मंथस इंट जो आपका एग्जिस्टिंग डाटा टाइप था उसको नया नाम इन्होंने क्या दे दिया मंथ दे दिया आगे मंथ आप यूज करोगे इट मींस वो इंटीजर्स की वैल्यू ले रहा होगा ऐसे ही फ्लोट की जगह आपने क्या ले लिया प्रिंसिपल नया नाम दे दिया इसको प्रिंसिपल ठीक है ऐसे एक टाइम पे एक आ, अब आगे आपको अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है मान लो मंथ वन मंथ टू ले रहे हैं और ये मंथ यहाँ पे अब हमारे ये डाटा का टाइप का काम कर रहा है क्योंकि हमने इंट को नया नाम दे दिया था ना मंथ अब यहाँ के मंथ का क्या मीनिंग है कि ये इंटीजर वाली वैल्यूज़ ले रहा है ठीक है मंथ वन मंथ टू क्या करेगा अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को सेव करेगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल टू इसका डाटा टाइप क्या हो गया प्रिंसिपल और उसका ये किसका सिनोनिम है फ्लोट का तो ये वैल्यू हमेशा फ्लोट वाली ही लेगा रियल वाली ही लेगा ठीक है इसके बाद हमारे पास है एन्यूम डेकोलेशन अनदर यूजफुल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इज एनिमरेटेड डाटा टाइप प्रोवाइडेड बाई ए एन एस आई सी स्टैंडर्ड इट इज डिफाइंड एज फॉलोज एन्यूम आइडेंटिफायर वैल्यू वन वैल्यू टू अप टू वैल्यू एन अब हमारे पास क्या ऊपर हमने क्या कहा नया नाम दे दिया उसको और बोल दिया कि वो उसी डाटा टाइप से ही वैल्यू उठाएगा अब अगर आप ये करना चाहो कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं वो हमारी दी हुई कुछ फिक्स वैल्यू में से ही वैल्यू उठाए तो वो भी आप कर सकते हो उसके लिए एन्यूम डिक्लेरेशन होती है एन्यूम जो आपका आइडेंटिफायर है वो और अगर आप इन में से ही वो वैल्यू लेगा अगर आप इस टाइप का डिक्लेयर करोगे एग्जाम्पल एक बार देख लो अच्छे से क्लियर हो जाएगा द आइडेंटिफायर इज अ यूज़र डिफाइंड एन्यूमरेटिड डाटा टाइप अब ये यूजर डिफाइंड एन्यूमरेटेड डाटा टाइप है ठीक है विच कैन बी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल दिस वेरिएबल कैन हैव ओनली वन ऑफ द वैल्यूज दैट आर एनक्लोज विद इन द ब्रिस नॉन एज एन्यूमरेशन कॉन्स्टेंट अब इनमें से ही कोई एक एक वैल्यू वो उठा सकेगा जैसे आफ्टर डेफिनेशन वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स टू बी ऑफ दिस न्यू टाइप एज फोलोज एन्यूम आइडेंटिफायर बी वन वी टू बी एन अब ये बी वन बी टू बी एन क्या करेंगे इनमें से ही कोई वैल्यू ले सकते हैं इनके अलावा कोई और वैल्यू नहीं ले सकेंगे क्योंकि यहाँ पे आपने एन्यूम आइडेंटिफायर ये यहाँ पे लगा दिया दीज एन्युमरेटेड वैल्यूज वी वन वी टू बी एन कैन हैव ओनली वन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द रेंज वैल्यू वन वैल्यू टू अप टू वैल्यू एन दस असाइनमेंट आपकी ये वैलिड होगी अगर आप वी थ्री को वैल्यू वन दे देते हो वी वन को वैल्यू फाइव दे, दे देते हो ठीक है तो यहाँ अगर आप ऐसे डिफाइन करो तो ये इन में से ही कोई ना कोई वैल्यू ले सकता है और एग्जांपल दिए हुए एन्यूम डे ये आपका आइडेंटिफायर हो गया एन्यूम तो आपको लगाना ही पड़ेगा एन्यूम कब लगाना है जब आप उन फिक्स वैल्यूज में से ही देना चाह रहे हो आगे वाले उसको वैल्यू एन्यूम डे ये आपका आइडेंटिफायर हो गया आप कौन सी वैल्यूज उठवाना चाह रहे हो मंडे ट्यूजडे संडे तक ये इनमें से कोई ना कोई वैल्यू देना चाह रहे हो फिर एन्यूम वही आपका आइडेंटिफायर आपने वेरिएबल क्या ले लिया वर्क डे वीकेंड वर्क डे क्या करेगा इनमें से ही कोई ना कोई एक वैल्यू ले सकता है वीकेंड क्या करेगा इनमें से ही कोई ना कोई एक वैल्यू ले सकता है जैसे वर्क डे को यहाँ असाइन कर दी वैल्यू मंडे और वीकेंड को असाइन कर दी सैटरडे ठीक है यहाँ असाइन हो गई है वैल्यू फिक्स हो चुकी हैं ये वैल्यू हेयर डे इज यूजर डिफाइंड एनुमरेटेड डाटा टाइप अब इसने क्रिएट कर दिया ना नया डाटा टाइप कौन सा डे डे yeah. हमारा नया डाटा टाइप हो गया है जनरली तो डे टाइप का डाटा टाइप नहीं पड़ा ना हमने डे हमारा नया डाटा टाइप हो गया है जो एनुमरेटेड है कॉल्ड डे वर्क डे वीकेंड आर टू वेरिएबल्स ऑफ डाटा टाइप डे ये डे टाइप के दो वेरिएबल हैं वर्क डे और ये और इनको वैल्यू फिक्स कर दिया है और ये क्या क्या वैल्यूज उठा सकते हैं इनमें से मंडे ट्यूसडे अप टू संडे वर्क डे को इन्होंने फिक्स कर दी वैल्यू मंडे और वीक डे को फिक्स कर दिया सैटरडे द सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू ऑल द एनुमरेशन कॉन्स्टेंट इन सीक्वेंस द एनुमरेशन कॉन्स्टेंट वैल्यू वन इज असाइंड जीरो वैल्यू टू इज असाइंड वन एंड सोन अब इसका सी कंपाइल कंपाइलर क्या क्या कर सकता है कि आपने अगर एक जगह वैल्यू जीरो दे दिया तो वो आगे ऑटोमेटिकली वन टू थ्री कॉन्टीन्यूटी में वैल्यू असाइन करता जाएगा ठीक है वी कैन ऑल्सो ओवर राइड दीज ऑटोमेटिक असाइनमेंट बाई असाइनिंग वैल्यूज टू द एक्सप्लिसन कॉन्टेंट आप अपनी मर्जी से भी असाइन कर सकते हो इसको ओवर राइड करके अपनी तरफ से लिख के आप कर सकते हो अगर नहीं लिखते तो वो ऑटोमेटिकली आगे वैल्यू देता जाता है ठीक है जैसे इन्होंने मंडे मंडे तो हमारा वीक वर्क डे के लिए फ़िक्स हो गया था और सैटरडे हमारा उसके लिए वीकेंड के लिए फ़िक्स हो गया था बाकियों को इन्होंने क्या वैल्यू दे दी ट्यूसडे को टू दे दी तो आगे वेडनसडे को ये थ्री अपने आप दे देगा थर्सडे को फोर दे देगा संडे को इन्होंने टेन फिक्स कर दिया है ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं काफ़ी हो गया काम इसके बाद हम कल करेंगे ये प्रिंटअप स्कैन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ये सारा बेसिक चल रहा है आपको एक बारी में लगेगा कि एक बारी में वीडियो देख के समझ में नहीं आता तो आपको रिपीट कर करके कर देखना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है इसके बाद एक चैप्टर और हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा पूरी एक यूनिट कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद ज़्यादा टिपिकल नहीं है आसान ही है ये बेसिक है एक तरह से आपकी बुक के लिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू स्टूडेंट्स